रोहित शर्मा ने लाइव मैच में कोहली के सामने दी गाली, देखते रह गए सिराज। टीआरएस को लेकर आखिर क्यों भड़के कप्तान रोहित, क्यों निकल गई उनके मुंह से गाली। बीच मैदान रोहित ने बोला ऐसा, पास खड़े विराट ने भी दिया साथ। जानिए क्या था पूरा मामला। भारत टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत मिल गई। 5 दिन चलने वाला टेस्ट मैच 5 सेशन में खत्म हो गया। भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड के मैदान पर जीत हासिल की। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो मैच के दौरान मैदान पर गाली देते नजर आए। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा ने बात-बात में गाली दे डाली। हालांकि उन्होंने गाली किसी खिलाड़ी को नहीं दी। मोहम्मद सिराज की गेंद पर फॉरवर्ड शॉट लेग पर कैच की अपील। डीआरएस लेने के लिए भारतीय खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे। इस पर रोहित शर्मा ने गेंदबाज से कहा, ले लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने गाली दी, फिर कहा 3-3 है। इस पर उनके पास खड़े विराट कोहली ने कहा, हाँ ले ले, क्या पता इनसाइड एज लगा हो। ये पूरी घटना स्टंप माइक में कैद हो गई। भारत के न्यूजीलैंड्स पर 7 प्रयासों में पहली बार जीत। इस मैच को बुमराह और सिराज के प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेजबानों की पहली पारी 55 रनों पर समेट दी। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में सीरीज बराबर करने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने। इससे पहले MS धोनी ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी। ये पहला ऐसा मौका था जब भारतीय टीम ने केप टाउन में टेस्ट जीता। भारत ने मुकाबले में मेजबान अफ्रीका को 7 विकेट से धूल चटाई। मुकाबले में तेज गेंदबाज भारत के लिए जीत के हीरो रहे। पहले मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, फिर दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर मुकाबले को एक तरफा रूप से भारत के खाते में डाल दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मुकाबला 1 पारी और 32 रनों से हारा था। हालांकि साउथ अफ्रीका अब भी भारत के लिए आज एक किला बना हुआ है। भारत अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका। भारत ने पहली पारी में 153 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 176 रनों पर सिमट गई। भारत को आखिरी पारी में 79 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैसे रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बैटिंग करने के अलावा अपने फनी नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया अंदाज में बात करते देखा जाता है, लेकिन इस बार भारतीय कप्तान ने लाइव मैच के दौरान गाली ही दे डाली। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।